ओडिशा की तीर्थ नगरी पुरी में भगवान जगन्नाथ का रथ उत्सव शुरू हो गया है और 10 दिनों तक मनाया जाएगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैसे तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आइए हम आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर की इन 7 बातों के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। भगवान जगन्नाथ का रथ उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है और इस उत्सव में भाग लेने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निकलते हैं। इस रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं और तीनों रथ अलग अलग रंग के होते हैं तथा इनके नाम भी अलग अलग हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहा जाता है और तीनों रथों में सबसे बड़ा रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ की ऊंचाई 1315 मीटर होती है और ये लाल और पीले कपड़ों के भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई 1315 मीटर होती है और लाल और पीले रंग के कपड़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ की रक्षा स्वयं गरुड़ करते हैं और रथ पर लगी ध्वज को त्रिलोकी मोहिनी कहा जाता है। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की उन 7 बातों के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को अगर आप कहीं से भी देखेंगे तो वो सदैव आपको सामने ही लगा हुआ दिखेगा। मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगाया गया है वो हमेशा हवा से विपरीत दिशा में लहराता है। रोजाना मंदिर के ऊपर लगे हुए ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर निकाला जाता है। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। इस मंदिर में जो सिंह द्वार है उससे पहला कदम मंदिर के भीतर रखते ही आपको किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं सुनाई देगी, लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो आपको सागर द्वारा निर्मित ध्वनि सुनाई देती है। जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये और उनके 300 सहायक एक साथ काम करते हैं और ये सारा प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में मनाया जाता है। एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि इस मंदिर पर आपको कभी भी किसी पक्षी या विमान को उड़ते हुए नहीं देखा जाएगा। तो ये थी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ 7 रोचक बातें जो हमने आज आपको बताई। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.